अब मैं इसमें आपको कुछ म्यूज़िक भी चला के दिखाता हूँ, इसकी क्वालिटी चेक करेंगे साउंड की। ये हम इसमें 1080p की वीडियो चला रहे हैं। व्यूइंग एंगल्स भी आप देखें तो अच्छे हैं उसके, IPS डिस्प्ले है। वीडियो को आगे पीछे भी कह रहे हैं तो सही चल रही है, थोड़ा सा जर्क आया है वैसे इसमें। थोड़ा सा हल्का सा जर्क आता है वैसे, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं कि 1080p की वीडियो बिल्कुल सही चल रही है। ये इसमें 720p की वीडियो है। साउंड आप चेक कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी है। इसका हम कैमरा इंटरफेस भी चेक करते हैं। कैमरे के लिए ये है कि इसमें इन्होंने एक डेडिकेटेड की भी दी हुई है, अगर आप कहीं पे भी हैं फ़ोन में और आप ये की को प्रेस करेंगे तो आप कैमरे में आ जाएंगे। कैमरे के फीचर्स जो हैं ये इसमें आप फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो पे लेके आ सकते हैं, ये फ्रंट फेसिंग कैमरा आप ऑन कर सकते हैं, वीडियो मोड में जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये डिफरेंट लेंसेज अवेलेबल होते हैं, सिनेमाग्राफ बना सकते हैं, स्मार्ट शूट है, पैनोरामा और डिफरेंट अगर ऐप्स अगर आपने कोई की हुई हैं तो वो भी यहीं पर आपको नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस जो हैं वो हम चेक करते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। सीन सिलेक्शन है, क्लोज़अप मोड भी है, क्लोज़अप मोड चेक करते हैं। आईएसओ जो है 800 तक जा रहा है। एक्सपोजर सेटिंग्स हैं इसमें, इस पर रखते हैं हम अभी। वाइट बैलेंस, एस्पेक्ट रेशो, इसकी वीडियो सेटिंग्स चेक करते हैं। वीडियो में वाइट बैलेंस है, कंटिन्यूस फोकस है और वीडियो मोड 720p पे रिकॉर्डिंग करता है। अभी हम ये क्लोज़अप तस्वीर खींचते हैं। इसकी जो क्वालिटी है वो हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे, डिटेल में टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसके कैमरे की कैसी क्वालिटी आती है। कार्ल ज़ीवस का इसमें लेंस है और जो LED लाइट है वो भी काफ़ी पावरफुल लग रही है, तो आई होप कि रिज़ल्ट अच्छा होगा। अब हम इसमें ब्राउज़र चेक करते हैं। इसका ब्राउज़र जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, डिफ़ॉल्ट जो उसके साथ ब्राउज़र आता है। इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पेज को फेवरेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको स्टार्ट के ऊपर भी लेके आ सकते हैं एज ए टाइल। ये फ़ोन गुरु की वेबसाइट है, अगर मैं इसको यहीं से क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली वेबसाइट पर चला जाऊँगा। उसके अलावा आप इसमें मल्टीपल टैब्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जितने मर्ज़ी आप टैब्स इसमें ऐड कर लें। शेयर अगर आप करना चाहें किसी पेज को, तो आप यहीं से जो है आप सोशल नेटवर्क्स में जाके भी शेयर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आपने देखा कि इसकी जो इंटीग्रेशन है सोशल मीडिया ऐप्स के साथ वो काफ़ी डीप इंटीग्रेशन होती है और बाय डिफ़ॉल्ट ये इसमें सारी इंटीग्रेशन आती है।